दिस इज विनय शर्मा और ये आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का आखिरी लेक्चर में भी हो सकता है, इसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रहेगा वो मुझे कवर करनी है। तो आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल पावर पर है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रिकल पावर पर है टॉपिक। तो क्या है इलेक्ट्रिकल पावर, हम ये जानते हैं। इसके पहले आपने मेरा पोटेंशियल पे एक लेक्चर देखा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मान लो ए और बी दो पॉइंट लेते हैं, तो वो होता है एक क्यू चार्ज को जब बी से ए में उठा के लेके जाते हैं तो वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज को ही पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बोलते हैं। तो वो उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे दोबारा इस्तेमाल करेंगे और हम वर्क डन बाय सेल कैलकुलेट करने वाले हैं। तो क्या करना है इसमें, आपको एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट दिख रहा है, एक बैटरी है, जो बैटरी इज प्रोवाइडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस भी है, मतलब उसका पॉजिटिव टर्मिनल भी पोटेंशियल क्रिएट कर रहा होगा और उसका नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल जीरो होगा, तभी डिफरेंस जो होगा वो वी आएगा, ठीक है। तो ये हमको पता है। तो इस इक्वेशंस को ध्यान में रखते हुए हम उसके लिए इक्वेशंस लिखें, तो ये अगर फाइनल पॉइंट है और वो अगर इनिशियल पॉइंट है, तो और यहाँ ये जो पोटेंशियल होगा यहाँ भी डेवलप होगा, वो जो जीरो पोटेंशियल होगा वहाँ डेवलप होगा, मतलब बिटवीन द टू रजिस्टर्स जहाँ पर है उसके एक एंड में प्लस वी और दूसरे पे जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी जनरेट होगा वहाँ पे। तो उस रजिस्टर्स के लिए इक्वेशन लिखा जाए तो वी माइनस जीरो इक्वल टू वर्क डन बाय सेल इज इक्वल टू क्यू इज बाय क्यू, यानी यहाँ से हम जो इक्वेशन बन के आता है वर्क डन बाय द सेल इज इक्वल टू क्यू बी, मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है जब एक बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है तो ये सेल भी कुछ, तो हम कह सकते हैं कि दिस वर्क डन बाय द सेल और एनर्जी, ये जो क्यू भी क्या है, ये क्यू भी जो होता है ये एनर्जी, इतना ही एनर्जी सेल प्रोवाइड करवाता है, सेल बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करवाता है जिसको हम लोग क्यू भी के रूप में यहाँ पे लिखे हैं। सो दिस वर्क डन बाय द सेल और एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल इज यूटिलाइज्ड बाय द रेजिस्टर्स, सिंपल सा बात है। मतलब ये जो तुम्हारा जो वर्क डन किया दिया है सेल के द्वारा जो ये वर्क डन किया गया है इसका हम लोग इस्तेमाल करता है, मतलब जो प्रोड्यूस करेगा एनर्जी आपका सेल वो यूज करेगा रेजिस्टर्स, वो डेसिपेट होता जाके रेजिस्टर्स पर। तो यहाँ पे एक और लाइन लिखा हुआ है, दिस एनर्जी जनरेटेड बाय द सेल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज पावर, मतलब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है सेल या फिर बैटरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग पावर बोलते हैं। तो यहाँ से जो पावर का जो फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय सेल डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि क्यू भी बाय टाइम, यानी कि एनर्जी बाय टाइम भी होता है पावर का। तो उस हिसाब से पावर का जो इक्वेशन बन के आता है पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, यहाँ पे क्यू बाय टी के जगह आई लिख दिए इसीलिए पी पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई हो। तो मतलब हमें सिंपल समझना है कि ये जो बैटरी कुछ वर्क डन करता है चार्ज को पूरा मूव करवाने के लिए इन पूरे सर्किट में एक एनर्जी वर्क डन करता है, तो उसी को वर्क डन बाय द सेल बोलते हैं, ठीक है। तो वही वर्क डन पर यूनिट टाइम को ही हम लोग पावर बोलते हैं। तो यहाँ से एक पावर का इक्वेशन आ गया वी पी इज इक्वल टू वी इन टू आई, और ये जो पावर जनरेट करता है ये रेजिस्टर्स जाके डिसिपेट होता है। तो पावर जनरेट बाय द सेल इज वेरी मच इज एग्जैक्टली इक्वल टू द पावर डिसिपेटेड ओवर द रेजिस्टर्स, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो इक्वेशन है इसके और भी सारे रूप हो सकते हैं, भी की जगह आई आर अगर पुट करा जाए तो ये इक्वेशन मॉडिफाई होकर जाएगा पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, फिर यहाँ पे आई का जगह भी बाय भी इज इक्वल टू आई आर पुट करेंगे आई की जगह तो यहाँ पे भी स्क्वायर बाय आर, मतलब तीनों फॉर्मूला जो है पी इज इक्वल टू भी इंटू आई पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर पी इज इक्वल टू भी स्क्वायर बाय आर, ये तीनों के तीनों एप्लीकेबल है आपके पावर के लिए बाय यूजिंग ओम्स लॉ। अच्छा, पावर कैन बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ जूल्स पर सेकेंड, मतलब जो पावर होता है सिस्टम का वो एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, तो इसीलिए उसका यूनिट को जूल पर सेकेंड है और उसको हम जूल पर सेकेंड को दूसरे रूप में वाट भी बोलते हैं, उसको डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू से दिखाया जाता है। तो ये सिंपल कंसेप्ट है पावर के लिए।
इसका जो अगला टॉपिक हम मैं बनाने वाला हूँ वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, वहाँ पे भी कुछ पावर के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज एक क्वेश्चंस करते हैं पावर बेस्ड, हमारे कंसेप्ट जिससे क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है आज, कैलकुलेट पावर डिसिपेटेड ऑन ईच रजिस्टर। ये है क्वेश्चन। आपका एक सर्किट दिया हुआ है, 10 ओम 10 वोल्ट पोटेंशियल प्रोवाइड करवा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस एक बैटरी दे रहा है, और उस पे चार रजिस्टर जुड़े हुए, दो दो ओम के चारों, दो सीरीज में एंड दो पैरेलल में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करंट कैलकुलेट करेंगे कि वो बैटरी एग्जैक्टली कितना करंट दे रहा है। तो करंट हम जब भी अच्छा, तो हम क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 10 वोल्ट। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालेंगे, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है उस सर्किट का। तो पहले हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे भाई, ना ये दोनों पैरेलल में है, उसके बाद जो इनका जो रिजल्ट आएगा वो तीनों सीरीज में हो जाएंगे। तो इनका इनका पैरेलल निकालेंगे सीडी के केस में। तो पैरेलल का फॉर्मूला पता ही है आपको, 1/2 + 1/2, तो उसको सिंप्लीफाई करके लिखो तो 1 ओम आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट 2 और 4 का मिला के। फिर उसके बाद सर्किट मॉडिफाई आपका हो जाएगा, और 2 ओम 1 ओम और 2 ओम, ये तीनों सीरीज में है। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी आ जाएगा 1 + 2 + 2। 2 और 2 कहाँ से आए भाई, ना ये वाले रेजिस्टर है और वो वाला रेजिस्टर है 2 ओम का, और 1 ओम क्या आया, ना ये दोनों का इक्विवेलेंट आया। तो टोटल आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी का वैल्यू आ गया है 5 ओम। तो यहाँ से हम पावर निकाल सकते हैं, मतलब कितना पावर जनरेट कर रहा है, सप्लाई कितना कर रहा है, और कितना पावर जनरेट कर रहा है बैटरी, और वो कितना डिसिपेट हो रहा है सारे रजिस्टर्स पर, टोटल मैं बता रहा हूँ। तो वो आपका आ जाएगा पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर से। तो वी स्क्वायर क्या है यहाँ पे, वी का वैल्यू कितना है 10, तो 10 × 100 / 5, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू 5 है, तो 20 वाट, मतलब ये जो सेल है वो 20 वाट का पावर जनरेट करे। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, हमें क्वेश्चंस में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चंस में पूछा है कि हर एक रजिस्टर्स पे कितना पावर डिसिपेट होगा ये निकालना है। तो हम धीरे धीरे करके सारे पे निकालेंगे। सबसे पहले करंट निकाल लेते हैं कि आखिरकार ये 10 वोल्ट जो बैटरी लगा हुआ है करंट कितना जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर, तो वी इज इक्वल टू आई इंटू आर 5। तो यहाँ से जो 2 एम्पीयर का करंट जो है ये बैटरी दे रहा है, तो ये 2 एम्पीयर का, ये 2 एम्पीयर का जो करंट है जो आपका बैटरी जनरेट कर रहा है, ये पूरा का पूरा यूज करेगा 2 ओम रेजिस्टर। उसके बाद वो करंट यहाँ डिवाइड हो जाएगा, फिर वापस से हमें 2 एम्पीयर का करंट मिलेगा। तो मतलब जितना बैटरी करंट देता है उतना वापस लेता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप आप निकाल सकते हैं। तो एट वन, मतलब फर्स्ट वाले पे कितना यहाँ पर आपका पावर होगा वो हम निकाल लेंगे आई स्क्वायर इंटू आर से। तो आई यहाँ पे 2 एम्पियर है, 2 × 2 × 2, आर का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 8 वाट का पावर यहाँ पे डिसिपेट होगा पहले वाले रजिस्टर्स में। आप देखो तो ये जहाँ ये भी 2 एम्पियर करंट है, वापस वहाँ पे भी 2 एम्पियर करंट मिलेगा 3 पे। तो आपको नहीं लगता दोनों जगह पावर डिसिपेट सम होगा, क्योंकि वहाँ भी हम आई स्क्वायर इंटू आर लगा देंगे। तो एट 3 आई स्क्वायर इंटू आर लगाएं, तो यहाँ भी 8 8 वाट पावर डिसिपेट हुआ। मतलब हमने 20 वाट पावर बैटरी जनरेट किया, हमने 16 वाट ऑलरेडी खर्च कर दिए हैं इन दो रजिस्टर्स पे। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों रजिस्टर्स पे कुछ अब मतलब डिसिपेट होने वाला है, मे बी 4। तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे ना, आउट ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है आउट ऑफ 10 वोल्ट पोटेंशियल, आउट ऑफ 10 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप्ड, आउट ऑफ 10 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप एट 1 और 3 इज सेम, 1 और 3 में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा जो कि 4 वोल्ट के बराबर। तो 10 वोल्ट में आपको पता है कि 4 वोल्ट यहाँ यूज हुआ गया, 4 वोल्ट वहाँ यूज हो गया, तो बच गया 2 वोल्ट। मतलब जाहिर सी बात है कि 2 वोल्ट यहाँ यूज हुआ है, और आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वी सेम होता है। तो यहाँ पे हम 2 पे भी निकाल सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर से, तो 2 × 2 / 2, यानी कि 2 2 कट गया, तो 2 वाट यहाँ, और सेम यहाँ भी उतना ही ड्रॉप होगा वी स्क्वायर बाय आर से, यानी कि 2 × 2 / 2, यानी कि 2 वाट। तो कुल मिला के सारे रजिस्टर्स पर एक जगह इन दोनों पे आपका 8 वाट 8 वाट, 16 2 वाट और 2 वाट, यानी कि टोटल 20 वाट। तो आप देखो तो सप्लाइड से इन सब का सम सप्लाइड के बराबर आ रहा है, मतलब हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट। तो ये वाला हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर जो टॉपिक है वो खत्म होता है। इसके बाद का मे बी आखिरी टॉपिक हो सकता है जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मैं बताने वाला हूँ, उसमें मैं रियल कॉन्सेप्ट दूंगा कि क्यों एक कंडक्टर हीट होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। थैंक यू।